अब मालिक माफ कर दीजिए मालिक, गलती से हो गया मालिक, हम जानबूझ के थोड़ी ना किए हैं, हम तो साफ ही कर रहे थे, स्क्रैच लग गया तो हम क्या करें। अरे बाप रे बाप, मालिक 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 क्या हुआ मालिक, मालिक मालिक, अच्छा ठीक है मालिक, एक पैसा हमरे से ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो ये स्क्रैच के दंड भले 10,000 रुपया ला। 10,000 रुपया महीना 2,000 के देते हैं और दंड लीजिएगा 10,000 रुपया वही 2 करोड़ की गाड़ी की। 2 करोड़ की गाड़ी? अरे तो बाप ऐसी गाड़ी पर कैसे चढ़ लो, अरे पूरा 10 करोड़ की गाड़ी है, 10 करोड़ के। अरे 10 करोड़ की गाड़ी, हम नहीं जानते हैं कि 10 लाख की गाड़ी है। 10 लाख के है रे, रॉयल्स रहा है, रॉयल्स रहा। सस्ता गाड़ी पर महंगा गाड़ी के नाम लिख देने से महंगा नहीं हो जाता है। ज्यादा बकवास ना कर, चुपचाप दंड ला 10,000 रुपया। 10,000 रुपया हम नहीं देने वाले हैं, आपके नौकरी पर मारे लात हम जा रहे हैं घर। सुन, अरे दंड कौन देगा रे, हम नहीं जानते हैं। सुन, इधर आ। हाँ बोलिए। अच्छा 10,000 रुपया नहीं देगा तो 9,999 रुपया ला। 500 रुपया देंगे। रे साला कम ना कर दिए कि मथे में चढ़ गया। अच्छा ठीक है, 5,000 रुपया ला। 500 से एगो चमन्नी ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा चल तोहर बात ना हमर बात, 600 रुपया ला। 500 रुपया लेना है कि जाए घर? अच्छा छोड़ हटा, फिर भी तोहर बात ना हमर बात, 550 रुपया ला। 500 रुपया लीजिएगा। सुन ला, 500 रुपया ला, लीजिए। लीजिए 10 रुपया। ये कथी ला रे? इसको बत्ती बना के आगने वाला छेद में घुसा लीजिएगा। मालिक चाय बन गया, आके पी लीजिए। अच्छा ठीक है आ रहे हैं। ये आजकल के नौकर से मालिक के माथा पर चढ़ कर मुतने लगता है। ए छोड़ा, ठीक से गाड़ी साफ कर, अच्छा से साफ करिए। आई मेरे स्क्रैच लग लो ना तो सब 10,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, साफ कर ऊपर से नीचे तक के, अंदर घुस घुस कर साफ करिए। लीजिए मालिक चाय। अच्छा लाओ लाओ। अरे इधर सुन रहे जी मालिक। अरे चीनी फ्री में आता है रे? नहीं मालिक। तो आई में इतना चीनी डाल के काहे ला चाय बना दिया है? पूरा चिपचिपा लग रहा है साला, लग रहा है कि एक कप में एक बुरा चीनी डाल के बना दिया है चाय ससुरा, और पूरा 6 दूध में काहे ला चाय बनाता है रे? काहे ला चाय बनाता है साला, 4 कप पानी में 1 कप दूध डाल के चाय बनाया करो, ऐसे में तो साला 1 दिन में पूरा गरीब बना देगा। और हाँ, 4 गो बिस्कुट काहे ला दिया रे? 1 गो बिस्कुट 1 दिन में दिया करो, 4 गो बिस्कुट 4 दिन तक चलेगा। पापा इतना गर्मी में पंखा काहेला बंद किए हुए हैं? रे रे पंखा बंद कर साला, बिजली का बिल तो ना ना देता रे ससुर कहीं के अवैया रूम में पड़ तो साला पंखा चला दिया, साला इतना गर्मी जोत ले भैया दिए। अरे साला इतना कसकर बैठता है, सोफा टूट जाएगा तो तोहर ना देगा? तो सोफा तो हम नाने ना दे ले हैं, खाली सोफे ना दिया है और कुछ कहा दिया? अच्छा छोड़िए ये सब बात, 100 रुपया लाइए तो। अरे इतना पैसा लेकर क्या करेगा रे? कुछ ना, चौक पे जाके ओमिन चौमिन बर्गर पिज्जा खाएंगे। अरे साला पैसा तोहर नाना छोड़ के गया है कि नहीं? साला जिस दिन तुमको कमाना पड़ेगा ना, वही दिन पता चलेगा कि 100 रुपया कितना मेहनत से कमाया जाता है। साला यहाँ खाए ले लाए ना पादे ले बिलाए 100 रुपया के ओमिन चौमिन बर्गर पिज्जा खाए तो। अरे साला तुराई से दुगो बेटा हमारा पैदा हो जाए ना, इसलिए पूरा घोड़े में इसका खा जाए। ससुर कहीं के इले मैसा, ये 10 दिन चलाइए और हमारे से मांगे होंगे नहीं है आप। एक रुपया में आजकल कोठी होता है पापा? 1 रुपया में तो चॉकलेटो नहीं मिलता है, 1 रुपया में चॉकलेट नहीं मिलता है? अरे झूठ बोलेगा साला, कल ही हम 1 रुपया में 2 गो कच्चा मैंगो खरीदे ससुरा कहके, ऐसे बोल रहा कि 1 रुपया में गुटका नहीं मिलता है। हम नहीं खाते हैं गुटका। बाप को ना सिखा साला, हमें यह सब पता है कि शाम में चौक पर बैठ के लफार दोस्त के साथ गुटका चिबाते रहता है और फूलन के बेटी के पीछे पीछे कुत्ता लेखा बौआता है ससुरा। आपको कैसे पता पापा? अरे तोरा उम्र में हम ना 12 गो माल पर, हम तोर बाप ना रहे तो हमें ना पता रहेगा तू कथी करता है, कथी खाता है, केकरा पीछे घूमता है। चला जो यहाँ से। अरे सुनता रे, ओई दिन जे तुमको 10 रुपया दिए थे कथी किया वो पैसा के? पापा वो 10 रुपया आपको दिए हुए पूरा 15 दिन हो गया तो खर्चा हो गया। अरे बाप रे बाप 15 दिन में 10 रुपया उड़ा दिया, हे भगवान ऐसा बेटा किसी को नहीं दीजिएगा जो 15 दिन में 10 रुपया उड़ा देता है। प्रणाम मालिक। हाँ प्रणाम प्रणाम। जूता पहन के अंदर काहे ला गया रे, जब फट से बाहर खोल के आया तो।
की हो गया मालिक जूता पहन के अंदर आ गए था? की हो गया सारा, तुम जूता पहन के अंदर आएगा माटी झीटी लगेगा फर्श पे, फर्श को साफ करने के लिए झाड़ू लगेगा और झाड़ू टूटेगा तो झाड़ू कहाँ से आएगा रे? साला यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, झाड़ू कहाँ से खरीदेंगे हम? लीजिए गेहूं का पैसा, पूरा 1 करोड़ रुपया है। देख रहा है रे पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है, बताओ रे ये हमारा नालायक बेटा है पैसा को पैसा नहीं समझता है, साला पैसा को पानी की तरफ बहा देता है ससुरा। हाँ तो बिगड़ता तो अमीरे का बेटा है ना, अपन बेटा एकदम संभाल कर रख ले हैं। बउआ ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। हाँ और जानता है रे पूरा 15 दिन में 2 रुपया खर्चा कर दिया है, साला फिर मांगने चला आया। 2 रुपया 15 दिन में खर्चा किया है, हमारे बेटा 1 दिन में 50 रुपया खर्चा करता है, उसको हम देते भी है चॉकलेट बिस्कुट खाए ले। देख रहे हैं पापा आपके अंदर काम करने वाला अपन बेटा को 50 रुपया देता है, बेटा को बिगाड़ता है। तू का टीम देख रहा है जो पर है लाइए ना 100 रुपया साला, कहीं के भागले के नहीं आते ससुर नालायक बेटा, कहीं कैसे में कंगाल बना देगा। और लीजिए मालिक नाश्ता कर लीजिए। अरे बर्तन धोने वाला साबुन फ्री में आता है? क्या हुआ मालिक? ये तू 2 बर्तन में नाश्ता लाया है, साला नाश्ता करने के बाद ही गंदा हो जाएगा, इसके धोने के लिए साबुन लगेगा, साबुन तो बाप खरीद के देगा रे, साला यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं साबुन कहाँ से खरीदेंगे रे? लाओ इधर ही लाओ, इसको कपड़ा से साफ करके किचन में रख देना, साला धोना नहीं साला। गरीबे बना देगा साला 1 दिन में हमारा। देख रहे हैं सेठ के बेटा को साइकिल से चलता है, ओकरा से निमन तो हम हो जो मोटरसाइकिल से चलते हैं, ओकरा इतना अगर हमको पास पैसा रहता ना तो हम 4 चक्का से नीचे पैर नहीं रखते, भगने भी जाते ना तो 4 चक्का से जाते। हाँ साला के पैसा के भोगे नहीं है। ओ साला सा कंजू सा, चल ले चल दे हम लोग आगे छोड़ दिए साला, कहीं के फेंकिए देंगे। और इतना कंजूस है तोर बाप रे? बहुत बड़का, इतना बड़का कंजूस है ना कि अगर उनका बस चले ना तो मक्खी के गुम में से घी निकाल देंगे। अटारक चले था? मजाक लग रहा है तुमको रे, मारेंगे एक तबरा की धपाक से गिर जाएगा नीचे साला। हम अपन बाप से कैसे पैसा ले समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पास ना एक आइडिया है, ऐसा आइडिया है ना कि तोर बाप कहीं से पैसा ला कर दे देगा। कैसा आइडिया रे? देख हमारे चमत्कार, हमारे चमत्कार के तू नमस्कार करेगा। दिखा दिखा। हाँ हेलो, हम बहुत बड़का क्रिमिनल बोल रहे हैं, तुम्हारे बेटा को किडनैप कर लिए हैं, जल्दी से 4 करोड़ रुपया लेके काली पहाड़ी के नीचे आ जाओ नहीं तो तुम्हारा बेटा का सर धड़ से अलग कर देंगे। कथी बोले हम पापा रे, देंगे पैसा? अब बोले हैं कि मार के फेंक दो, ऐसे नालायक बेटा के रहे या न रहे से कोई फायदे नहीं है। दोस्त हमारे पास एक आइडिया है, कल आओ इधर। हाँ ये आइडिया मस्त है, चल। उधर ब्रेको ना लगे छे साला, मुर्गा के आने का समय हो गया है, सब रेडी रहना। रेडी रे, आ रहे हैं सब, तैयारी हो जाओ। अरे हाँ हाँ बैंक के जा रहे हैं, आ तुम 1/2 किलो बैंगन 1/2 किलो टमाटर ले लेना। 30 रुपये बैंगन है, जैसे पिलवा उलवा लागल है वो 1 रुपये देता है, 2.5 रुपये ठीक है तो 250 ग्राम ले लो। हाँ टमाटर 40 रुपये, तनका सरल उड़न वाला 5 रुपये ठीक है, 100 ग्राम वो भी ले लो। हाँ लेकर घर आ जाना, ठीक रखो। गाड़ी स्टार्ट रखना। क्या हुआ सर जी? अब हम बैग चुरा ले भागल जा रहा है, चोरवा से तनी पकड़ दीजिए। रुक 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 रुक, एक कर जल्दी, एक कर जल्दी कर भाई, कौन ना की वेला रजिस्टर चला रे, साला गाड़ी छोड़ा पैदल भाग।
बैग में करोड़ों रुपया था, वो भी मेहनत के कमाई। कोई बात ना सेठ जी, हिम्मत रखिए, आपके पास पैसा की कमी थोड़ी ना है। हेलो हेलो साला, रख देता है कमीज पर हाथ चला, गंदा डाल जाएगा तो यहाँ खा ले पैसा नहीं है, साला धुवाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे रे। लीजिए सर जी, चोर को पकड़ लिए, लेकिन साला दूगो चोर भाग गया, और लीजिए अपना बैग। अरे साला के मुंह खोलता, गांव में कौन नया नया चोर पैदा लिया है, तुमका मुंह खोल के दिखोता। अभी खोलते हैं, रे रे हटो हटो। सेठ जी, नया नया चोर तापी का बेटा है। कौन बेटा? ये हमर बेटा ना है, हमर बेटा तो घरे है, ये सारा चोर है। चोर पापा, हम आपी का बेटा है पापा। हर चला, तू हमर बेटा नहीं है, ये सारा चोर है। चोर मार चला के। सच में आपका बेटा नहीं है तो पीट दे साले को। हाँ कूद दे साला, पीट दे, मार दे साला के। मारे मार। ठीक है, हम चले छी, हमू चले छी, चलू। चोरी तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जानते ही करना ही है, और कर दीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो नीचे लाल या भूरा बटन दिख रहा होगा, दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीसी म्यूजिक पे गाना सुनने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बीसी म्यूजिक, या यहाँ पर पोस्टर दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके बीसी म्यूजिक पर जाइए, गाना सुनिए और अपना प्यार दीजिए।